टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो चाहिए हर पल तो सब्सक्राइब कीजिए सीओसी टेक्निकल। इंटरेस्टेड टेक्निक्स आई विल टेल, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि उस पर खाना पकाया जाए, तो दोस्तों प्लीज़ इस तरीके से मत कीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो की मदद से आपको बताया है कि आपका मोबाइल कैसे ओवरहीट होता है और आप उसे कैसे प्रिवेंट करके ओवरहीटिंग को रोककर एक नॉर्मल कूल आपका मोबाइल रख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो मेरी स्किप न करते हुए आखिर तक देखना। सबसे पहली ज़रूरत है कि आप किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसी का स्पेसिफिक चार्जर यूज़ कीजिए, ओरिजिनल चार्जर यूज़ कीजिए, क्योंकि कंपनी ने उसी के कंपैक्ट के साथ वो चार्जर बनाया होता है, उसके हार्डवेयर को सूट करते हुए ऐसा ही चार्जर बनाया होता है। अगर आप किसी ज़्यादा पावर वाले चार्जर को यूज़ करेंगे तो बेशक उसकी बैटरी पर उसका इफेक्ट हो, अगर बैटरी हीट हो गई तो आपका मोबाइल ओवर हीट हो जाता है। तो मैं सिंपली कहूँगा कि आप अपने मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ कीजिए। इसका मतलब है कि आप जब चार्जिंग करते हो तो आप मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करिए। हाँ, मोबाइल को ठीक से चार्ज होने दीजिए, क्योंकि चार्ज होते समय अगर आपने यूज़ किया तो मोबाइल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। जब भी आप यूज़ करते हो तो हीट हो ही जाता है, और चार्जिंग के समय आप यूज़ करते तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, इससे मोबाइल पे ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मोबाइल चार्जिंग है तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए, चार्जिंग होने के बाद ही आप उसे यूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल ओवरहीट हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस को क्लोज़ करना है। हाँ दोस्तों, अगर वाईफाई अगर आपने क्लोज़ नहीं किया तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि वो जो पावर रहती है वो कंज्यूम कर लेता है, और इसी के साथ ही वो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस ऑफ करना है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग को कम करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेली लाइफ में ज़्यादा मल्टीटास्किंग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ओपन रहे मत रखिए, उनसे रिमूव कर दीजिए। तो ओवरहीट से बचने के लिए आपको मल्टीटास्किंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। दोस्तों हाँ, बैटरी डैमेज एक रीज़न है मोबाइल के ओवरहीट होने के लिए। अगर आपके मोबाइल की बैटरी स्पीड से ड्रेन हो रही है और स्पीड से चार्ज हो रही हो तो शायद आपकी बैटरी को डैमेज हो चुका है। अगर बैटरी को डैमेज हो चुका है तो आप प्लीज़ ओरिजिनल बैटरी को ही डलवा दीजिए, क्योंकि डुप्लीकेट बैटरी से उसको मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म होता है। तो आप जल्दी से जल्दी वैसे बैटरी डैमेज हो गई हो तो ओरिजिनल बैटरी ही डलवा दीजिए। दोस्तों हाँ, एक रीज़न है हैवी गेम्स खेलने की वजह से आपका मोबाइल ओवरहीट हो जाता है, तो क्योंकि जो आपके हैवी गेम्स खेलते हैं उसे वो प्रोसेसर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर कंट्रोल भी कर दिया तो टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं कर देता, इसलिए आपका मोबाइल ओवरहीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हैवी गेम्स खेल लो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मत खेलो, कुछ ही देर के लिए खेलो, क्योंकि जो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आनी चाहिए। आप अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए, पर लिमिट में यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने के बाद मोबाइल हो जाता है ओवरहीट। और अगर आपको ओवरहीट से बचना है तो मोबाइल को सिर्फ कम से कम समय के लिए यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, लिमिट में यूज़ कीजिए, और उसे थोड़े थोड़े देर के बाद थोड़े थोड़े ब्रेक देते रहिए। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको जो फ़ोन में जो क्लीन जंक है, जंक फाइल्स होते हैं जो कचरे के जैसे होते हैं, उससे आपको क्लियर कर देना है। वो कुछ भी तरीके से कचरा पड़ा हुआ है फ़ोन में, और उसे आपको क्लियर कर देना है। अगर आपने इसे क्लियर कर दिया तो आपको जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम फेस होगा, आपका फ़ोन थोड़ा सा कूल रहेगा, उससे ज़्यादा हीट नहीं होगा आपका फ़ोन। दोस्तों कुछ यही मुद्दे थे जो आपके फ़ोन के ओवरहीटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, और वीडियो अगर पसंद नहीं आए हो तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है या आपको कोई मदद चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे जाके आपको मदद कर दूँगा। दोस्तों मैं इस वीडियो के लिए टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव है, आपको कोई मदद चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको किसी तरीके और ट्रिक चाहिए, अगर मुझे वो ट्रिक पता है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अब रुकता हूँ, फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए सीओसी टेक्निकल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।